हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है। उसके साथ साथ मूवी को ऑडियंस और फैंस को द्वारा बोला जा रहा है कि इस मूवी को बॉयकॉट कर दिया जाए। बहुत लोग का ये कहना है कि ये मूवी एक फ्लॉप मूवी साबित होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मूवी को नेटफ्लिक्स ने 160 करोड़ में खरीद लिया है। वहीं मूवी का बजट था 180 करोड़। पर वहीं बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस पर तो मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकती है। लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि हॉलीवुड की मूवी बनाई गई 1994 में फॉरेस्ट गंप के नाम से, उसी मूवी का सेम टू सेम रीमेक मूवी बनाई जा रही है। हालांकि हिंदी सिनेमा में बन रहा है तो कुछ चीज़ें हमें अलग भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बात करें हम मूवी के ट्रेलर का तो अगर आप फॉरेस्ट गंप का ट्रेलर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी। फॉरेस्ट गंप मूवी जो कि एक बहुत बेहतरीन मूवी था, जो कि कहानी था एक बेवकूफ़ लड़के की जिसमें कि उसका IQ लेवल बहुत कम रहता है, बट वे आर्मी में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, वही बिजनेस में नंबर 1 होता है अपनी मेहनत की वजह से। यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और हालांकि वे मूवी अपने टाइम पे एक सुपर हिट मूवी मानी जाती है। लाल सिंह चड्ढा मूवी के कंट्रोवर्सी में आने की वजह आमिर खान और करीना कपूर के कुछ बयानों की वजह से है, क्योंकि करीना कपूर ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आपको अगर हमारी मूवी पसंद आए तो आप देखें, आपको कोई फोर्स नहीं करता हमारी मूवी देखने के लिए। बस इन्हीं सब बयानों की वजह से जनता बिल्कुल भड़क चुकी है। वहीं बात करें आमिर खान की तो आमिर खान के वाइफ ने यह बयान दिया था कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। आमिर खान ने यह भी बयान दिया था सत्यमेव जयते अपने पॉपुलर शो में कि आप लोग जो दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, शिवलिंग दूध नहीं पीता, वहीं आप लोग उन पैसों से किसी गरीब को दान कर सकते हैं, उन पैसों को डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ PK मूवी जब रिलीज हुआ था तो उसमें भी धर्म की चीज़ों को दिखाया गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस अभी भी उस मूवी का विरोध करती है। बस इन्हीं सब वजह से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकती है। आप सभी का क्या राय है आमिर खान की आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा के बारे में, हमें अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रीति में।